हम जबरदस्ती नहीं ना, मार नहीं ना करेंगे उनसे, पैसा तो रखे हैं वो हमारा, 60,000 रुपया हमारा है, फ्री का पैसा आइल बका जो रख ले रहे फ्री के समझिए, हम लोग दे दिए गन्ना मिल था, अब वो हम लोग के साथ मानते हैं कि मिलेगा तो हम लोग घर के खर्ची चलता था उससे। अब तो कॉरपोरेट NCLT कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है, अब फार्म मंगा रहा है, क्या करेगा वही लोग जानते हैं। हमको रिटायर किया है। अच्छा, मेरी छुट्टी हमारा बाकी है और बढ़ती भी बाकी है, बोनस भी बाकी है, सब बाकी है। हम बाकी नहीं, हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे और हम लोगों को क्लियर संतावना नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, रोड पर आएंगे, जो भी होगा हम लोग करने को तैयार हो। हम लोग सर अधीक्षक के यहाँ गए थे, कल तारीख था, ये लोग नहीं गए। हाँ, शाम तक इंतजार करते करते हम लोग चले आए। अरे 8 महीने का तो तनख्वाह है बा, 2 लाख ये एक बात, ग्रेच्युटी 5 लाख ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज। इस वक्त हम गोपालगंज जिले के सासामूसा चीनी मिल में पहुंचे हुए हैं और आप सभी को बता दें, इस वक्त सासामूसा चीनी मिल के जो मालिक हैं यहां पे आए हुए हैं, लेकिन वो साफ तौर पे मना कर दिए कि हमको कैमरा के सामने कुछ भी बोलने का परमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि NCLT के अंडर में ये जो है कि फैक्ट्री चली गई है, ये चीनी मिल NCLT के अंदर में चला गया है और इस वक्त ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसके वजह से वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि हमको कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, कोर्ट ने मना किया कि उनको कैमरा के सामने नहीं बोलना है, लेकिन ये जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनका लाखों रुपया, जिनका हजारों रुपया इस मिल में फंसा हुआ है, वो लोग किसके पास जाएंगे, वो कोर्ट में किसके पास चक्कर काटेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। ये हजारों दिनों से जो है कि काफ़ी समय से ये लोग परेशान हैं, हर दिन आते हैं, यहाँ से लौट करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सीनियर पर्सन हैं, वो लोग आते हैं और सिर्फ सांत्वना दे करके चले जाते हैं। लेकिन अभी हम जाकर के ऑफिस में मिले कि आप कैमरा के सामने बयान दीजिए कि इन लोग का पैसा कब तक मिलेगा, तो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमको कैमरा के सामने बोलने का परमिशन नहीं मिला है। अब आप ये बताइए, जिस समय इस क्षेत्र में किसान लोग गन्ना लगाते थे, उस समय ये लोग क्या करते थे कि ढूंढ ढूंढ करके गन्ना ला करके यहाँ पे पेराई करते थे, और आज जो है कि उन्हीं का पैसा देने के लिए उनको जो है कि कितना सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जितने भी ये लोग दिखाई दे रहे, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं, और बहुत लोगों का जो है कि लाखों रुपया यहाँ पे फंसा हुआ है, उनके घर का रोजी रोटी कैसे चल रहा है, ये तमाम तरह का सवाल हैं, और ये सवालों के बीच में जो है ना इनका परिवार जो है कि घसीट मसीट के चल रहा है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मतीन नाम पड़ेगा जी। ये बताइए, यहाँ पे इस वक्त इस मिल के मालिक मौजूद हैं, लेकिन वो साफ तौर पे मना किए हैं कि हमको कैमरा के सामने नहीं बोलना है, आप लोगों के बीच में कुछ बात हुआ तो वो क्या बयान दिए? वो बोले कि हमारे हाथ से NCLT कोर्ट में चला गया है और NCLT कोर्ट आप लोगों को जो ये देगा, जो मार्गदर्शन देगा, उसी पर आप लोगों को चलना है, आप लोगों को फार्म भरना पड़ेगा। और फार्म के लिए हमने बोला कि हम लोग हथौड़ी से ही चलाने वाले आदमी हैं, हम लोग कहाँ से ये डिटेल लाएंगे जो हमारा कितना लाइबिलिटी आपके पास है। तो जैसे कि फॉर्म में बताया गया कि फॉर्म भर करके आपको मेल करना है, तो फॉर्म में आप किस बेस पे पैसा भरेंगे? किसी का 5,000 होगा तो किसी का 50,000 भी होगा, तो आपके पास क्या सबूत है कि आपका इतना पैसा है? हमने इस बात को उनके पास रखा तो बोले कि देखिए, ये आप लोगों का जो भी पैसा है आप लोग आइएगा, ये जो लोग हैं कार्यरत क्लर्क एक दो आदमी हैं, वो लोग आपको बताएंगे, आप फॉर्म में भर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अंदर तक घुसने नहीं देते हैं, तो आप उनके जाने के बाद कोई अंदर जाने देगा? डिटेल्स आप लोगों को देकर लगता है आपको? सिग्नेचर करा कर वो जाने देता है, जाता है आदमी, आता है, फॉर्म भी मिल केन वाले लोगों को मिला है, लेकिन हम लोगों का फॉर्म आज आया है, आज से हम लोग अपना काम करेंगे। वो बोले हैं कि सांत्वना दिया है कि आप लोगों का डिटेल मिलेगा, ये लोग क्लर्क जो हैं वो देंगे। बाबा आपका कितना पैसा बकाया है इसमें? करीब 1,75,000, मतलब 2 लाख के आसपास पैसा आपका बकाया है। ये बताइए, अगर ये 2 लाख रुपया आपको समय से मिल जाता है तो आपका बहुत सारा काम इसमें निपट जाता है। हम बुढ़ा आदमी के मिल जाए तो हमारा जीवन का आधार हो जाएगा। कितना दिन से आपका पैसा बकाया है? करीब करीब हमको रिटायर किया है। अच्छा, मेरी छुट्टी हमारा बाकी है और बढ़ती भी बाकी है, बोनस भी बाकी है, सब बाकी है। हम बाकी है। ये बताइए, यहाँ पे जब आप ड्यूटी करते थे उस समय आपको पेमेंट मिलता था सही से? हाँ, वो बड़ा तो मिलता, लेकिन जब से चीनी मिल बंद हुआ तब तब से गड़बड़ हो गया। अच्छा, आपका भी पैसा बकाया है? जी हाँ। कितना पैसा बकाया? हम तो जोड़े हैं नहीं, हम कमाए हैं 3 महीने का, तो बाकी आया हमारा बोनस वोनस सर्विस सब बाकी है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आए हैं पैसा का डिमांड करने के लिए, तो क्या अंदर से जवाब मिला आप लोग को? हम तो वहाँ पर नहीं गया, हम अपना सेक्रेटरी साहब के पीछे पीछे रहते हैं, ये लोग जो कहता है वो हम कर चला जाते हैं। NCLT अगर जो है कि अब पैसा का डिमांड करती है कि आप लोग को 2 साल 3 साल 4 साल बाद ही पैसा मिलेगा, तो क्या तब तक आप लोग चुप बैठेंगे?
नहीं हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। और हम लोगों को क्लियर संतावना नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, रोड पर आएंगे और जो भी होगा हम लोग करने को तैयार हो जाएंगे। सर आपका कितना पैसा बकाया होगा इसमें? हम लोग 7-8 लाख रुपया बाकी है। 7-8 लाख? हाँ, देखा जाए तो एक जिंदगी की पूरी कमाई हो सकती है। हाँ, वही पूरी कमाई है। 2013 से पैसा सब बाकी है हमारा। मजदूर का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है और जो किसान है उनका भी पैसा नहीं दिया? नहीं, ना मजदूर का दिया रहा है ना किसान को दिया रहा है। जो यहाँ के मालिक आए थे वो आप लोगों को क्या सांत्वना दिया, क्या बताएं आप लोग? वो कहते हैं कि हम एक इनमें से कहते हैं कि हम आपको मदद करेंगे, अब आप पैसे ये फॉर्म भरिएगा वो सब मदद करेगा लोग। क्या लगता है कि सब करने से पैसा मिल जाएगा? ऐसा तो दे रहे हैं सांत्वना तो हमको उसी पर आधार है। आप लोग तो पैसा के लिए हमेशा यहाँ आते जाते हैं? हाँ, बरोबर आते हैं हम लोग। हम लोग शर्म अधीक्षक के यहाँ गए थे, कल तारीख था, ये लोग नहीं गए। हाँ, शाम तक इंतजार करते करते हम लोग चले आए। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? इमामुल हक। कितना पैसा आपका बकाया है? हम लोगों का 7-8 लाख होगा। आपका भी 7-8 लाख? अरे 8 महीने का तो तनख्वाह है बा, 2 लाख ये एक बात ग्रेचुटी 5 लाख ले बोनस पैसा के लिए आप लोग हर समय डिमांड करते हैं लेकिन मिलता नहीं। कोई कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है, डेली आते हैं हम लोग। अभी हम जिन लोगों से बात कर रहे थे सभी इस मिल के मजदूर थे, जो लोग की काफ़ी समय दे करके इस मिल को जो है कि आगे बढ़ाया, और लेकिन आज समय आ गया, वो लोग जब बुजुर्ग हो गए तो उन्हीं का पैसा रोक करके उनको समय से नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी किसान हैं जो यहाँ पे गन्ना गिराए हैं उन लोग का भी पैसा बकाया है और समय से उन लोग का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है कि वो लोग अपने घर का रोजी रोटी चलाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम परवेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नौतन थाना। अच्छा, नौतन थाना के। ये बताइए आपका कितना पैसा इसमें बकाया है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया बकाया है। हाँ। यहाँ पे हमेशा आप लोग आते जाते होंगे? बराबर आते जाते हैं। क्या लगता है कि पैसा आप लोग को मिलेगा? कौन आसना है जी, आते हैं तो कोई से भेंट नहीं होते, हम आपस चले जाते हैं। कब गन्ना गिराए थे आप? 4 साल हो गए। 2019 में गिराए। हम सब सबूत हमारे पास, देखिए। बताइए सब कागज वगज लेके आए हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्ची का पैसा है। ये देख सकते होंगे आप लोग कैमरा पे, ये सब इस किसान के जो है कि अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह सब डिटेल्स इसमें है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पैसा अभी तक इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। और हर समय जब भी आते हैं ना इनको सांत्वना दिया जाता है कि आपका पैसा अगले महीने या 6 महीने बाद चला जाएगा, लेकिन आज तक इनका पैसा नहीं जा पाया और 4 साल हो गया। 1 लाख रुपया जो है कि बकाया है। चाचा आपका कितना पैसा बकाया होगा इसमें? हमारा इसमें 50,000 रुपये बाकी है। 50,000? कितना दिन पहले? ये तो मिल भड़का है तभी से बाकी है। किसान है हम, हमारा घर खालगांव पड़ता है, सेमरा बाजार, यहाँ के किसान है। हमारा पैसा 50-60। यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को क्या सांत्वना दी जाती है? यहाँ पे सांत्वना दिया जाता है, मिलेगा, किसी अंदर नहीं जाने दिया जाता है, मालिक से भेंट नहीं करने दिया जाता है। तो फिर आपको सांत्वना ही केवल दिया जाता है, उसी पे भरोसा? कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता है। आज जो है कि मिल मालिक आए उनसे मिले थे आप? ना, हम लोग से मिलने देगा कोई? काहे नहीं मिलने देगा? गन्ना ले लिया उसके वजह से पैसा देने मिलने देते हैं? उन लोगों का सिपाही है, गार्ड नहीं जाने देता है। काहे नहीं जाने देगा? ये कोई बात जबरदस्ती करता है, हटा देता है, कैसे होगा? हम जबरदस्ती नहीं, मार नहीं करेंगे उनसे। पैसा तो रखे हैं, वो हमारा 60,000 रुपये हमारा है। तो फ्री का पैसा इलवका जो रख ले रहे हैं? फ्री का नहीं, समझिए हम लोग दे दिए गन्ना मिल था, अब वो हम लोगों के साथ मानते हैं कि मिलेगा तो हम लोग घर का खर्ची चलता था उससे। अगर वो गन्ना का खेती करते ना तब समझ में आता कि एक गन्ना लगाने में कितना सारे पैसे का खर्चा करना पड़ता है, इसके बाद से शरीर से कितना मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद से जब गन्ना तैयार हो जाता है तो मिल में जो है कि गन्ना पहुँचाने तक में कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये शायद आप लोग हरखुआ जाएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हरखुआ जाइए, देखिए कि कितना ज़्यादा वहाँ पर 4-4, 5-5 सौ जो है कि ट्रॉलियाँ लगी है, वहाँ पर जो है कि 20 एकड़ गन्ना नहीं लिया जा रहा है। और जब 20 एकड़ गन्ना लगाने का बात चल रहा था ना, तब वहाँ पे जो जीएम है, जो कि हरखुआ मिल के जो जीएम है, वो क्षेत्र में घूम घूम के कह रहे थे कि आप लोग 20 एकड़ गन्ना लगाइए और हम खरीदारी करेंगे, और आज जो है कि उस मिल में खरीदने से मना कर दिया जा रहा है। अब वो बताइए कि वो किसान उस गन्ना को लेकर के कहाँ जाएंगे? इस प्रकार का जो है कि सामना करना पड़ रहा है इतने सारे किसानों को। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिला प्रशासन से लेकर सीनियर प्रशासन और जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबके पास तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके, और जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी यहाँ पर मजदूर हैं जिनका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है, कोशिश करके इन लोगों का पैसा दिलवा दिया जाए ताकि ये लोग अपना कुछ रोजगार शुरू कर सके और अपने बहू बेटियों का, अपने परिवार का कुछ भरण पोषण कर सके।